गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे जॉन फ्रैंकलिन द डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस रीडिंग पैसेज। और इसमें हमारे पास 1 to 6 हैं। विच पैसेज कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड बी मैंशन है, मीन्स एक पैसेज के अंदर दो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। 7 to 10 हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और वर्ड हमें जो चूज़ करने हैं वो नीचे गिवन है। एंड 11 to 14 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है। वाज सर जॉन फ्रैंकलिन ऑक्यूपेशन बिफोर ही वेंट ऑन ए करियर ऑफ द आर्टिक एक्सप्लोरेशन। सर जॉन फ्रैंकलिन का ऑक्यूपेशन क्या था आर्टिक एक्सप्लोरेशन का करियर बनाने से पहले। सेकेंड क्वेश्चन है, इस स्टोरी जॉन फ्रैंकलिन रिएक्टेड स्ट्रेंजली वेन ही मेट बुलीज बाय अदर चिल्ड्रन। कोई स्टोरी है जॉन फ्रैंकलिन की, उसने क्या रिएक्ट किया था, रिएक्ट स्ट्रेंजली, जब उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, उसको बुलीज कॉल किया, ठीक है। थर्ड है, रीज़न ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस। क्या रीज़न थे बुक के पॉपुलर होने के, कौन सी बुक्स, द डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस। फोर्थ है, ए डिस्क्रिप्शन दैट स्टैन नैंडोली बायोग्राफी ऑन जॉन फ्रैंकलिन इज नॉट मच बेस्ड ऑन फैक्ट। एक डिपिक्शन है किसका, स्टैन नैंडोली का, कि बीबियोग्राफी का, किसकी बीबियोग्राफी, और जॉन फ्रैंकलिन की, जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं थी। फिफ्थ है, द पार्टिकुलर कैरियर सर जॉन फ्रैंकलिन टुक आफ्टर हिज एक्सपेडिशन अनमैच्ड बिफोर। पार्टिकुलर कैरियर सर जॉन ने कौन सा चूज़ किया, किसके बाद, आफ्टर हिज फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अनमैच, जो उसके जो भी उसने एक्सपेक्टेशन की थी वो उससे मैच नहीं हुई थी, उसके उससे पहले जो मैच नहीं, बिफोर अनमैच हुई थी, ठीक है, मैच नहीं थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल स्कीम एंड एनवायरनमेंट कन्वे बाय द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस। सेंट्रल स्कीम क्या थी और एनवायरनमेंट के थ्रू ये बुक कौन सा मैसेज कन्वे कर रही थी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें सेलेक्ट करनी। तो फर्स्ट पैसेज रीड करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन है। देखो इन्फॉर्मेशन है तो इट मीन फर्स्ट टू लाइन और लास्ट टू लाइन नहीं, बल्कि हमें होल पैसेज रीड करना होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में मिल जाए, हो सकता है लास्ट में, हो सकता है सेंटर में। तो देखो क्या है, फर्स्ट पैसेज में, जॉन फ्रैंकलिन 1786 to 1847 वॉज द मोस्ट फेमस वेनिशर ऑफ द विक्टोरियन एरा। जॉन फ्रैंकलिन क्या था, मोस्ट फेमस वेनिशनर था, वेनिश होता ख़त्म हो जाना, वो लुप्त हो गया था किसके अंदर, विक्टोरियन एरा में। ही जॉइंड द नेवी एज ए मिडशिपमैन एट द एज ऑफ 14। जब वो बच्चा था तो उसने क्या ज्वाइन किया था, नेवी, एंड फोट द बैटल ऑफ द कोपनगम एंड ट्रेफल। तो देखो यहाँ पे हमें पहली लाइन में ही पहला आंसर मिलेगा पहले क्वेश्चन का, कि उसका प्रोफेशन क्या था, क्या ज्वाइन किया था उसने, उसने नेवी ज्वाइन की थी, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर होगा पहली ही लाइनों में मिल गया, और ये किसका है, ए का, सॉरी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन किस में है, ए पैसेज में। तो अब हमें ए में एक आंसर मिल गया तो दूसरा तो ज़रूर मिले, तो हम पहले अब बी रीड कर लेते हैं। बी क्या है, चलो ए, बी में क्या है इन्फॉर्मेशन, दे फॉलोड ए कैरियर एज ए ट्रेवल राइटर एंड सैलून गोर द मैन हु एट हिज बुक्स वॉज फ्रैंकलिन टैगलाइन एंड ए सेकेंड लोक आर्टिक एक्सपेडिशन एंड ए कॉन्ट्रोवर्शियल स्पेल ऑफ गवर्नर लैंड। उसने एक कैरियर दे, उसने फॉलो किया कैरियर किसका, ट्रेवल राइटर का और सैलून गोर का, ए सेकेंड लॉन्ग आर्टिक एक्सपेक्टेशन एंड ए कॉन्ट्रोवर्शियल स्पेल। देन इन मई 1845 फ्रैंकलिन सेटअप ऑफ टू शिप्स यूरोप्स एंड द टेरर एंड 129 मैन ऑन द वॉयेज दैट वुड किल हिम। और उसमें उसने दो शिप में वो सेट उस दो शिप के अंदर गया और उसने 129 जो किसको मार सकते थे। इन द जुलाई द कॉनवे वॉज सीन बाय द टू वेलर एंट्रिंग लैंचेस्टर साउंड, नथिंग मोर वुड बी हर्ड ऑफ इट वॉज 14 years। वो दो व्हील टू व्हीलर्स एंट्रिंग, वे किसी जहाज में था, मीन्स
टू व्हीलर कुछ था वहाँ पे एंट्रिंग, जो लैंचेस्टर में उसने एंट्री की उस 14 साल तक उसको कुछ भी पता नहीं चला। हैड द शिप शंक, उस शिप डूब गया था या वो जम गया था आइस के अंदर। वर द मैन डेड, जो आदमी थे वो मर गए थे। और इंडीड ऑफ रेस्क्यू, या किसी रेस्क्यू में थे। और हैड दे ब्रोकन दो ए द लेजेंडरी ओपन पोलर सी बियॉन्ड द आइस बैरियर। तो देखते हैं इसमें, मतलब जहाज़ में वो 129 लोग थे, उसके साथ वो भी था। उस 14 साल तक कुछ पता नहीं चला था, वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने गए होंगे तो उसको मार भी सकते थे वहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ गिवन है इसके अंदर। देखते हैं कि ये किसी के साथ मैच करता भी है या नहीं करता। जो ऑप्शंस थे जो हमने रीड किए थे, दोबारा रीड कर लेते हैं। जो मैच नहीं किया था, तो देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर 5 है वो है द पार्टिकुलर कैरियर सर जॉन फ्रैंकलिन टुक आफ्टर हिज एक्सपेक्टेशन अनमैच्ड बिफोर। ये वाला ऑप्शन हमारा बी पैसेज के अंदर है, ठीक है। बी के अंदर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 5th। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर, और इसका हाईलाइट भी कर देती हूँ कहाँ पर है, सेंटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी। इन हिज पर्सनल कोरस्पोंडेंस एंड इन पब्लिश्ड मेमरीज फ्रैंकलिस कम अक्रॉस ए मैन डेडिकेटेड टू एक्सटर्नल ड्यूटीज ऑफ वॉर एंड एक्सप्लोरेशन। पर्सनल को इन हिज पर्सनल कॉरस्पॉन्डेंस एंड इन हिज पब्लिश्ड मेमरी, पर्सनल उस कॉरस्पॉन्डेंस में, उसकी पब्लिश्ड मेमरी में एक इंसान फ्रैंकलिन जो था वो किसके अक्रॉस आया, एक आदमी की जो अपनी एक्सटर्नल ड्यूटीज की तरफ डेडिकेटेड था और एक्सप्लोरेशन के रिलेटेड। हु कैप्ट इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एनालिसिस टू ए मिनिमम। उसने अब इंट्रोस्पेक्शन और खुद का एनालिसिस कम से कम रखा। हिज बाल्डनेस मेक हिम एन एमेनेबली मैनेबल सब्जेक्ट फॉर ए नॉवलिस्ट एंड स्टैन नोडी हैज टेकन फुल एडवांटेज ऑफ दिस लाइसेंस। उसने स्टैन नोडी ने उसकी फुल एडवांटेज ली उसके लाइसेंस की, क्योंकि वो तो अपना सेल्फ एनालिसिस कम से कम अपने आप को कम दिखाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही हैज़ एंडोर्ड हिज जॉन फ्रैंकलिन विद ए डिफाइनिंग करेक्टर ट्रेट फॉर देयर विज नो हिस्टोरिकल एविडेंस। उसने क्या जॉन फ्रैंकलिन को एक डिफाइनिंग करेक्टर की तरह दिखाया जिसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो स्लोनेस था या कामनेस था, स्लो मीन स्लो लर्नर था या शांति प्रिय था, ऐसा कुछ उसने उस को दिखाया लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। तो यहाँ पे देखते हैं सी का कौन सा मैच करता है। स्टैन नाउडी की बिबियोग्राफी नोट मत, क्योंकि देखो ना तो उसके कोई एविडेंस मिला था। तो ये 4th वाला जो ऑप्शन है ना, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है 4th वाला, ए डिपिक्शन दैट स्टैन नेंडोलनी बायोग्राफी ऑन जॉन फ्रैंकलिन इज नॉट मच बेस्ड ऑन फैक्ट, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी एविडेंस तो उसके पास था नहीं कि उसे स्लोनेस कहा गया फिर या फिर कामनेस। तो लास्ट लाइनों में इसका आंसर है ये 4th क्वेश्चन का सी पैसेज में। अब डीप रीड करते हैं। स्लोनेस इन्फ्लुएंस नॉट ओनली फ्रैंकलिन बिहेवियर बट आल्सो हिज विजन। स्लोनेस ने उस फ्रैंकलिन के बिहेवियर को नहीं बल्कि उसकी दृश्य को भी, उसकी थॉट्स को भी और स्पीच को भी प्रभावित किया। द ओपनिंग सीन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द स्लोनेस डिपिक्ट फ्रैंकलिन एज ए यंग बॉय। जब उसकी ओपनिंग की किसकी बुक की, तो वो फ्रैंकलिन क्या था, एक यंग बॉय था, प्लेइंग कैच बैडली, जो कैच को बैडली प्ले करता था। बिकॉज हिज रिएक्शन वाज विद द टाइम इज स्लो, उसकी रिएक्शन बहुत स्लो थी। डिस्पाइट द बुलिंग बाय हिज पीयर्स फ्रैंकलिन रिजोल्व नॉट टू फॉल इनटू स्टेप विद दे द वे डूइंग थिंग। उसके फ्रेंड्स उसे बुली भी करते थे लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने उसने अपना बैक स्टेप नहीं लिया और वो अपना काम करता रहा।
4. नेंडोली फ्रैंकलिन फेस्ट फैक्शनिज्म विद द आर्टिक स्टीम फ्रॉम हिज डिजायर टू फाइंड एन एनवायरमेंट सूटेड टू हिज पैकुलर स्लोनेस. तो यहाँ से हमारा एक आंसर मिल रहा है. ठीक है, देखते हैं. वो जो फ्रेंड्स वाला था ना, बुलीज वाला, सेकंड ऑप्शन है. ए स्टोरी जॉन फ्रैंकलिन रिएक्टेड स्ट्रेंजली व्हेन ही मेट हिज बुलीज बाय द चिल्ड्रन. तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये किसका है? डी ऑप्शन के अंदर. ठीक है, अब सेकंड का आंसर. अब करते हैं ई पैसेज. ई पैसेज में देखो क्या है. स्टेटमेंट है, ही डिस्क्राइब फ्रैंकलिन एज ए बॉय ड्रीमिंग द ओपन वाटर एंड टाइम विदाउट आर्स एंड डे विच एग्जिस्ट इन द फोर नॉर्थ एंड ऑफ फाइंडिंग द आर्टिक ए प्लेस वेयर नोबडी वुड फाइंड हिम टू स्लो. फ्रैंकलिन एक बॉय था जो सपने लेता था ओपन पानी के अंदर और टाइम के अंदर, बिना टाइम की सोचे कि इतना टाइम और कितने दिन लग रहे हैं. विच एग्जिस्ट इन फोर्थ, जो फोर नॉर्थ की तरह एग्जिस्ट करता था, और वो आर्टिक प्लेस में चला गया. और आर्टिक प्लेस के अंदर किसी ने भी उसको, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो उसको स्लो कहता था. आइस इज ए स्लो मूवर. आइस क्या था? स्लो मूवर है, क्योंकि आइस डिमांड्स ए कॉरस्पॉन्डिंग पेशेंस फ्रॉम दोज हु वेंचर ऑन टू. आइस क्या डिमांड करती है? एक पेशेंस डिमांड करती है, जिसमें जो स्लो लर्नर्स, जो स्लो वेंचर है, वो पार्टिसिपेट कर सकें, मीन्स अपने बारे में सोच सकें. ठीक है, और ऐसे लोग जो उसको इमेजिन करते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं. द एक्सप्लोरर हु हैव थ्राइव्ड एट आइस इज ए स्लो मोर. आइस डिमांड्स ए कॉरस्पॉन्डिंग पेशेंस फ्रॉम दोज हु वेंचर ऑन टू इट. द एक्सप्लोरर हु हैव थ्राइव्ड एट ए हाई लैटिट्यूड एंड एट हाई लैटिट्यूड हैव नॉट यूजली बीन मैन ऑफ ग्रेट स्पीड. जो एक्सप्लोरर होते हैं, जो थ्राइव करते हैं हाई लैटिट्यूड से, और हाई लैटिट्यूड जनरली ग्रेट स्पीड पे नहीं होता, यूजली बीन मैन ऑफ ग्रेट स्पीड, वो स्लो के लिए होता है. दे हैव टेंडेड इंस्टेड ऑफ डेमोस्ट्रेशन अनयूजल सेल्फ पोजेशन ए कंसिडरेबल कैपेसिटी ऑफ बोरेडम and a talent for what Scott called thawing the oncoming endeavor of suffering. क्या they have tended instead of demonstration unusual self possessedness. उसके अंदर कैपेसिटी थी किसकी? बोर्डम की, मीन्स बोर हो, जिससे बोर फील नहीं करता था. एंड ए टैलेंट, और एक टैलेंट था जिससे उस स्कॉट को क्या कहा गया? थॉलिंग, क्योंकि वो बीमार होते हुए उसकी कंप्लेन नहीं कर रहा था, सफरिंग करते हुए भी कंप्लेन नहीं करता. इसके अंदर तो कोई आंसर नहीं है. तो आगे देखते हैं. दे वर ऑल क्वालिटीज विच द हिस्टोरिकल फ्रैंकलिन पोजेस इन अबंडेंस एंड सो नेंडोली कंसंट्रेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ देम इज नॉट अनरीजनेबल. उसके अंदर सारी क्वालिटी थी जो कि प्रचुर मात्रा में थी, जिससे नेंडोली की कंसंट्रेशन और एक्सक्रेशन अनरीजनेबल नहीं था. इवन एज एन अडल्ट ही स्लोनेस ऑफ थॉट मीन्स दैट ही वॉज अनेबल टू स्पीक फ्लुएंटली. अडल्ट होने के बाद उसकी स्लोनेस का मतलब ये नहीं था कि वो स्पीक बोले फ्लुएंटली नहीं बोल सकता था. ही इज अनएबल टू स्पीक फ्लुएंटली, ये मीन्स वो फ्लुएंटली नहीं बोल सकता अडल्ट होने के बाद भी. सो ही मेमरीज एंटायर फ्लीट ऑफ वर्ड्स एंड बैटरीज ऑफ रिस्पॉन्स एंड स्पीक ए लैंग्वेज ब्रिक ए ब्रिक लैंग्वेज. इन द नेवी हीज मैथड ऑफ थिंकिंग फर्स्ट एंड एक्टिंग लेटर इनिशियली प्रोवोक मोमोक्री फ्रॉम हिज फेलो सेलर्स. नेवी के अंदर उसका सोचने का तरीका और एक्टिंग करने का तरीका और किसको प्रोवोक करता था? मोकरी को, क्योंकि वो बहुत ही लेट रिप्लाई देता था, स्लो बोलता था. बट फ्रैंकलिन प्रसिस्ट इन डूइंग दिस थिंग्स हिज वे एंड ग्रेजुअली अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ दोज अराउंड हिम.
धीरे धीरे उसने ये चीज़ सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी, और उसने अपने जो सारे लोग थे उसके चारों ओर उनसे रिस्पेक्ट गेन करना स्टार्ट कर दिया। टू ए कमांडर हु टेल्स हिम स्पीड ऑफ हिज रिपोर्ट ऑन एन एंगेजमेंट ही रिप्लाइज, व्हेन आई टेल समथिंग सर आई यूज़ माई ओन रिदम। एक कमांडो को उसने रिप्लाई दिया अपनी स्पीड से रिलेटेड कि जब मैं कुछ करता हूँ सर तो मैं अपनी रिदम में करता हूँ वो। ए लूटेनमेंट सेज अप्रूविंग हिम बिकॉज फ्रेंकली इज सो स्लो ही नेवर लॉसेस टाइम। एक इंसान ने कहा वहाँ पे कि फ्रैंकलिन इतना स्लो काम करता है कि वो कभी भी टाइम को लूज़ करता ही नहीं। आई थिंक इसमें भी मुझे कोई आंसर लग नहीं रहा, चलो फिर भी एक बार सर्च कर लेते हैं। पहले 6 में तो इसका कोई ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, आगे रीड करते हैं। एफ किया था ना हमने। जी, सिंस इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन जर्मनी 1983, द डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस हैड सोल्ड देन ए मिलियन ऑफ कॉपीज एंड बींग ट्रांसलेटेड इन टू 13 लैंग्वेज। ये 1983 में जर्मनी में पब्लिश हुई थी, और उस पब्लिश होते ही इसकी 1 मिलियन कॉपी बिक गई और इसको 13 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इट हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द जर्मन लिटरेचर 20 कॉन्टेम्पेरी क्लासिक एंड इट हैज़ बीन ए मैनुअल एंड बाय यूरोपियन प्रेशर ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग कोज एज डाइवर्स एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द प्रोकास्ट क्रच मैनेजमेंट साइंस एंड मोटरिंग पॉलिसी एंड पैसिफिज्म। इसका जो जर्मन लिटरेचर में 20 कॉन्टेम्प्रेरी क्लासिक और इट हैज़ बीन ए मैनुअल एंड बाय यूरोपियन प्रेशर ग्रुप इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग कोजेज एज डाइवर्स, इस बुक को यूरोपियन प्रेशर ग्रुप ने इंस्टीट्यूशन ने रिप्रेजेंट किया कि इसके अंदर ऐसे रीज़न थे जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, प्रोकोस्ट खर्च में, चर्च में, मैनेजमेंट साइंस में, मॉनिटरिंग पॉलिसीज और फलिसिज्म में यूज़ होते थे। ठीक है, तो मतलब इन सब के लिए बेनिफिशियल थी ये बुक। तो अभी ऐसा भी कोई आंसर नहीं, आगे देखते हैं। द वेरियस ग्रुप हैव टेकन द नोवेल अप हैव वन थिंग इन कॉमन, ए डिसलाइक ऑफ द हाई स्पीड कल्चर ऑफ पोस्टो मॉडर्निटी। जो वेरियस ग्रुप थे जो इस नोवेल को खरीद रहे थे, उस पर एक ग्लांस दे रहे थे, में एक चीज़ कॉमन थी कि वो हाई स्पीड कल्चर से को डिसलाइक करते थे। नैंडोली फ्रैंकलिन अपील्स ऑफ देम बिकॉज ही इज इम्यून ऑफ द कंपल्शन ऑफ द कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड एंड टू द आइडिया ऑफ सम वन हु बेटर। इफ ही ऑक्यूपाइड द सेम थिंग फास्ट, सेवरल जर्मन चर्च हैव बीन यूज इन देयर सिंपोसिया एंड फोकस ग्रुप एन एग्जाम्पल ऑफ पीसफुलनेस पीटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो जर्मन चर्च थी वहाँ पर इसको यूज़ किया गया था और फोकस किया था किसको लेकर, एक एग्जाम्पल लिया था उन्होंने किसका, पीसफुलनेस का, और पाइटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये सेंट्रल स्कीम इंस्पायर्ड बाय द नोवेल, सेंट्रल स्कीम का हमारे पास ऑप्शन है पीछे तो वो मिल जाएगा यहाँ से। डेंडोली हैज़ अपियर्ड एज ए गेस्ट स्पीकर फॉर RIU, एक ऑर्गेनाइजेशन थी विच एम रिकोलाइन मैनेजमेंट प्रिंसिपल विद आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ से एक आंसर तो हमारा मिल रहा है। द नोवल हैज़ बिकम इन्वॉल्व इन द डिबेट अबाउट स्पीड लिमिट ऑफ जर्मन रोड्स। ये नोवल है जो था, इस नोवल को इन्वॉल्व किया गया डिबेट में किस किस स्पीड को लेकर, जर्मन रोड्स पर स्पीड लिमिट को लेकर। ड्राइव डाउन एन ऑटो बैन टूडे एंड यू विल सी लार्ज रोड साइड साइन प्रोक्लेमिंग अनहरिडनेस, ए स्लोगन विच डेलिब्रेटली प्ले ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवल। तो एच के अंदर हमारा आंसर है सेंट्रल स्कीम का। और ये आंसर किस किस के हैं देखो, एक तो है इसमें रीजन क्या थे किसके, बुक की पॉपुलरिटी के, थर्ड वाला ऑप्शन बनेगा, और एक लास्ट वाला 6 मीन्स एच के अंदर हमारे 2 आंसर्स हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, व्हाट इज सेंट्रल स्कीम एनवायरनमेंट कन्वे बाय द बुक ऑफ द स्लोनेस,
क्योंकि उन्होंने रोड के ऊपर के स्लोगन भी लिख देते थे कि व्हीकल्स को स्लो चलाना चाहिए, सेंट्रल स्कीम भी थी। तो ये तो हमारा है थर्ड और सिक्स्थ, दो के आंसर हैं इसमें, थर्ड एंड सिक्स्थ। थर्ड क्या था? एच, वेरियस ग्रुप टेकन, क्यों? क्योंकि डिस हाई लाइक, पूरा पूरा रीड करोगे तो वैसे पूरा आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा और सिक्स्थ का आंसर है। थर्ड वैसे क्या है, रीज़न क्यों थे पॉपुलरिटी की इस बुक की, क्यों थे? कि वेरियस ग्रुप टेकन द नोवल ऑफ द वन थिंग इज़ कॉमन, क्योंकि एक चीज़ जो अलग अलग ग्रुप ने इसको अपनाया था और वेरियस चीज़ इसमें कॉमन थी, यहाँ पे थर्ड का आंसर है, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, क्योंकि ये ऑप्शन तो हो गए हमारे सारे। अब देखो क्या है, इन हिज पर्सनल कोरस्पोंडेंस टू एंड हिज पब्लिश मेमोरीज बाय स्टैन नेंडोली, जॉन फ्रैंकली वाज डिपिक्टेड एज ए मैन डेडिकेटेड टू द एक्सप्लोरेशन एंड द वर्ल्ड ऑफ स्लोनेस यूज टू डिफाइन हिज, उसकी किस चीज़ को डिफाइन कर रहे थे वो? वेन फ्रैंकलिन वॉज इन हिज चाइल्डहुड हिज डिटर्मिनेशन टू द, इस क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं डी पैसेज में, क्योंकि हमने डी रीड किया था। टू डिफाइन हिज स्लोनेस वॉज यूज टू डिफाइन हिज, उसकी डिफाइन किसको करते थे? आई थिंक पर्सनैलिटी को करते थे। डी पैसेज में रीड करते हैं, स्लोनेस इन्फ्लुएंस नॉट ओनली फ्रैंकलिन बिहेवियर बट हिज विजन हिज थॉट हिज स्पीच ओपनिंग और डिस्कवरी स्लोनेस डिपिक्ट फ्रैंकलिन वॉज ए यंग बॉय प्लेइंग कैच बिकॉज हिज रिएक्शन टाइम इज स्लो, रिएक्शन क्या था? टाइम के साथ स्लो था। तो हिज थॉट फ्रैंकलिन बिहेवियर उसको विजन, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे गिवन नहीं मिलते कि जो एग्जैक्ट मैच करेंगे, वो तो सूट करते हैं। तो देखो इसके अंदर डिस्पाइट बुलिंग हिज पीयर फ्रैंकली रिजोल्व नॉट फॉल स्टेप ऑफ देयर डूइंग थिंग्स नेंडोली फास्ट फैसिनेशन विद आर्टिक स्टिंग फॉर हिज डिजायर ऑफ एनवायरमेंट सूटेड हिज पैकुलर स्लोनेस। तो यहाँ पे ना इसका आंसर क्या आना चाहिए, हिज, उसकी क्या किस चीज़ को डिफाइन करते थे वो? उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते थे, सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, सी के बाद, व्हेन फ्रैंकली इन हिज चाइल्डहुड हिज डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कूल बॉय वाज टू स्लो, उसका डिटर्मिनेशन किसको लेकर स्लो था? बुली ऑफ द स्कूल बॉयज, वो क्या कर रहे थे? बुली थे न, मतलब उसको बुल कर रहे थे ना। तो इसका आंसर क्या होगा नेक्स्ट का, बुली। उसके बाद क्या है, एंड फ्रैंकली वॉज सेट ए बॉय ड्रीमिंग फाइंडिंग ए प्लेस ही कुड एन्जॉय द, उसको वो किस चीज़ को एन्जॉय करना था? इन द आर्टिक, वो टाइम को स्लो चल रहा था, तो इसमें कौन सा आंसर मैच करता है? टाइमलेसनेस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, वो स्लो लर्नर था, टाइम कितने भी घंटे बीत जाएं वो उसको मैटर नहीं करता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम स्लोनेसनेस। हिज बायोग्राफी ऑफ द डिस्कवरी स्लोनेस हैज़ अडॉप्टेड एज ए, उसको क्या अडॉप्ट किया था? फॉर द मोमेंट ऑफ सच सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट साइंस एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी, ये तो हमने रीड किया था ना ऊपर, ये तो लास्ट लाइन में थे ना, मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट लास्ट लाइन में देखो, ए जी, उसकी बुक को कमांडो। अच्छा उसके बाद देखते हैं मॉनिटरिंग पॉलिसी, जी पैसेज में क्या है, डिस्कवरी स्लोनेस मिलियन कॉपी 13 लैंग्वेज में बनी थी। हिज इट हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ जर्मन लिटरेचर 20 कंटेम्पररी क्लासिक, इट हैज़ ए मैनुअल बाय यूरोपियन प्रेशन ग्रुप इंस्टीट्यूशन कोज डाइवर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोकर्च, इसमें तो नहीं है, ऊपर देखते हैं।
दोज वर ऑल क्वालिटी ऑफ हिस्टोरिक इन अबंडेंस सो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन अनरीजनेबल इवन एज इट रल टू स्लो लर्न इट वॉज अनएबल टू स्पीक थिंकिंग इन वर्ड प्रोवोक क्री रिपोर्ट। अच्छा उसके से पहले भी देख लेती हूँ मैं, ई में भी थोड़ा सा देखती हूँ क्या गिवन है। हाई लैटिट्यूड बाय ओपन वाटर द डिस्क्रीट स्लोनेस सस्टेन फ्रैंकली यंग बॉय प्लेइंग कैच बैडली डिस्पाइट बुलिंग फ्रैंकली फैसिनेशन आर्टिक्स टू डिजायर एनवायरमेंट सूट इज पैकुलर स्लोनेस ही डिस्क्राइब फ्रैंकलिन एज अ ड्रीमिंग इन ओपन वाटर आवर्स डिपेंडिंग करते हैं मोर आइस कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्लोरर थ्राइवड हाई लैटिट्यूड एंड हाई कंसिडरेबल स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ बोरमडम एंड अपकमिंग एंड्यूरो सफरिंग देयर वर ऑल क्वालिटीज ऑफ हिस्टोरियन फोशन अबंडेंस एंड एंडोली कंसंट्रेशन एंड एक्सग्रेशन इवन एज अडल्ट स्लोनेस मीक्स इन्फ्लुएंटली एंटायर फ्लीट ऑफ वर्ल्ड रिस्पॉन्स ब्रिक एंड ब्रिक लैंग्वेज। तो उसकी बुक को क्या कहा था उन्होंने, बुक से रिलेटेड है ना, तो उसकी बुक जो थी इसके अंदर आना चाहिए लेटर 20 बायोग्राफी, वो एक गाइड बुक का काम कर रहे थे किसको, क्योंकि वो उससे क्या रहे थे लेसन ले रहे थे ना, वो उसको मोटिवेट करने के लिए थे कि स्लो लर्नर्स भी हैं और उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो एक गाइड बुक की तरह आएगा इसका आंसर, ठीक है। जो नीचे ऑप्शन गिवन होते हैं एग्जैक्ट नहीं मिलते, ठीक है, ये हमें खुद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करने होते हैं। अब आते हैं 11 to 14 फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो 11 to 14 क्या है, वाई डज द ऑथर मैंशन आइस एज ए स्लो मूवर इन द जियोग्राफिकल आर्टिकल टू डेमोस्ट्रेट द आइडिया। आइस इज द स्लो मूवर को के जियोग्राफिक जियोलॉजिकल आर्टिकल टू डेमोस्ट्रेट, ये आइडिया ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है इसके अंदर। ए ऑफ डिफिकल्ट फ्रेंकली कॉन्कर्ड नो, फ्रेंकलिन हैड ए ड्रीम सिंस आई नो, ऑफ फैसिनेशन विद आर्टिक एक्सप्लोरेशन नो, The explorer like Franklin should possess the quality of being patient. तो इसका आंसर क्या आएगा, डी वाला। और ये हमने अभी ई पैसेज में रीड तो किया है सारा। उसके बाद 12th, when Franklin was on board with sailor, he did speak to his fellow sailors. जब वो बोर्ड कर रहा था किसके साथ, सेलर्स के साथ, तो हाउ डिड ही, उसने स्पीक कैसे किया हिज फॉलो सेलर्स, ही स्पोक इन ए वे मोकिंग हिज फॉलोअर्स, स्पोक किया मोक के थ्रू मीन्स बिना बोले, ही स्पीक ब्रिक एंड ब्रिक लैंग्वेज टू शो हिज लैंग्विश एटीट्यूड, एटीट्यूड की कोई बात की गई नहीं है, ब्रिक एंड ब्रिक लैंग्वेज तो है लेकिन एटीट्यूड नहीं है उसमें, ही स्पोक्स इन वर्ड एंड फ्रेजेस बाय प्रीसली मेमोराइज, ही स्पोक ए रिथमिक ट्यून, ट्यून की भी बात नहीं है। तो तीन ऑप्शन तो हमारे कट गए, तो कौन सा आएगा इसका आंसर, सी आएगा, मेमोराइज किया था उसने कि उसने पहले याद कर रखा था। देखो इसका आंसर किस में है, इसका आंसर एफ पैसेज में है 12th वाले का। एफ पैसेज द्वारा रीड करती हूँ, देर वर ऑल क्वालिटीज ऑफ हिस्टोरिकल फ्रैंकलिन पजेस इन अबंडेंस एंड एंडोली कंसंट्रेशन एंड क्रिएशन अनरीजनेबल इवन एज अडल्ट ही स्लोनेस थॉट मीन्स ही अनएबल टू स्पीक फ्लुएंटली ही मेमराइज दे रखा ना एंटायर फ्लीट ऑफ वर्ड्स एंड बैटरीज ऑफ रिस्पॉन्स, वो पहले याद किए रखता था, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो आंसर है, सो ही मेमरीज ऑफ, इस लाइन में उसका आंसर है किसका, 12th का। उसके बाद 13th क्वेश्चन, 13 का स्टेटमेंट क्या है, हिज एफर्ट टू ओवरकम हिज स्लोनेस इन मैरिन टाइम लाइफ एंड हैड फाइनली वोन द, उसके एफर्ट्स इस स्लोनेस से कम, मैरिन लाइफ क्या होती है, मैरिन टाइम लाइफ तो पानी के अंदर जाते हैं ना, जो समुद्र के अंदर का जो जीव जंतु होते हैं सारे मैरिन लाइफ से रिलेटेड, जो भी पौधे होते हैं उसको देखना, वो मैरीन लाइफ होती है, ठीक है, मछली वगैरह सारी पौधे कैसे हैं, जैसे डाइवर्स अंदर जाते हैं पानी के अंदर
वो सारी चीज़ें सर्च करने के लिए, तो वो मैरिन टाइम लाइफ है। अंडरस्टैंडिंग हिज पर्सनैलिटी बेटर, नो कैपेसिटी ऑफ कोपिंग विद बोर्डम, ये भी नहीं, कैपेसिटी भी नहीं थी कोपिंग करने की विद बोर्डम, ठीक है। कैसे उसने वर्न किया था ना, रिस्पेक्ट हिम एज इंसिस्ट टू ओवरकम हिज डिफिकल्टी, रिस्पेक्ट की खुद की और ओवरकम किया हिज डिफिकल्टी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी सी ही आएगा, ठीक है। ये भी कहाँ, वैल्यूएबल टाइम ही कैन यूज़ फिनिश ए रिपोर्ट, ये तो गिवन ही नहीं है। तो 13 का भी हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर भी सी, और ये भी हमारा किस में है, एफ पैसेज में ही है, ठीक है। देखो एफ पैसेज में सर्च करते हैं, जहाँ पर रीड किया था ना उससे आगे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे टू ए कमांडो हु टेल्स हम टू स्पीड विथ हिज रिपोर्ट एंड एंगेजमेंट ही अप्लाइज, व्हेन आई टेल समथिंग आई यूज़ माय ओन रिदम, फ्रैंकलिन इज सो स्लो दैट ही नेवर लॉस टाइम, और इसमें ऊपर भी दे रखा फ्रैंकली प्रसिस्ट इन डूइंग थिंग्स दिस हिज वे एंड ग्रेजुअली अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज अराउंड टू अराउंड पर्संस, जो उसके चारों ओर थे उनसे रिस्पेक्ट भी करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो उसने तो यहाँ से उसका आंसर किसका आ जाएगा, 13th क्वेश्चन का भी आएगा, यहाँ पे इसका किसका आंसर है 13 का, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट व्हाई इज द बुक डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस इज सोल्ड मोर देन ए बिलियन ऑफ कॉपीज, इसकी कॉपी इतनी ज़्यादा क्यों बिकी थी, इट कंटेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पीपल वुड लाइक टू इन्जॉय, इस लोगों ने इसकी बुक को पढ़ना एन्जॉय किया था, वुड लाइक टू इन्जॉय, ठीक है। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन द फ्लैग लैंग्वेज अप्लाइड इन शिप, नो। इट इंक्लूडेड डिबेट दैट स्पीड लिमिट जर्मन, इसमें कोई डिबेट भी नहीं थी। इट कंटेन टेक्निक ऑफ सिम्बियर जर्मन चर्चिस, कोई टेक्निक नहीं थी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो क्लियर है, सीधा सा गिवन है कि ए ही आएगा, कि लोगों ने इसको इन्जॉय किया था रीड करना। वैसे भी इतनी नॉर्मल सी बात है, कोई बुक इतनी बिक रही है तो लोग उसे इन्जॉय कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए वो इतनी सेल हो रही है, ठीक है। और 13 लैंग्वेज में पब्लिश हुई है तो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है। ये था हमारा होल पैसेज, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन फिर भी मैंने इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी वर्ड से रिलेटेड, तो आप उसका मीनिंग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सोल्व करने की खुद ट्राई करना, फिर वीडियो देख लेना, ये टॉपिक आप गूगल पे डालोगे तो वहाँ से आप इसका PDF निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।